जिले के मनेन्द्रगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर के हालात देखने जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता रेणुका सिंह पहुंची, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने खराब क्वालिटी का खाना देने, 15 लोगों को बीच 3 कप चाय देने, लोगों को भूखा रखने जैसे आरोप लगाए हैं। रेणुका सिंह के मुताबिक जिला प्रशासन के बनाए सेंटर में रह रहे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि इन लोगों को ठीक से दो वक्त का खाना भी नहीं दिया जा रहा, जिससे लोगों में गुस्सा है। आता है तो बहुत थोड़ा थोड़ा रोटी चावल आता है, बाकी तो अधिक अच्छी भी रहती है। तो दे नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, बोल रहे हैं चाय दे रहे हैं सुबह, उसके बाद कुछ भी दे नहीं रहे हैं, जबकि पूरा सरकार का पूरा ये है ना कि पूरा खाना देना है, नाश्ता देना है, चाय देना है। अधिक जानकारी के लिए दिनेश कुमार द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, अगर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, तमाम हमने क्वारंटाइन सेंटर की खबरें देखी सुनी कि अव्यवस्थाएं वहां पर पसरी हुई हैं और उन्हें समय समय से जो व्यवस्था, जो चीजें उन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है, यहाँ पर कैसी चीजें निकल करके सामने आ रही है, क्या कहती है आपकी ग्राउंड रिपोर्ट? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनेन्द्रगढ़ स्थित सांस्कृतिक भवन में यहाँ के निवासी को, स्थानीय निवासी को क्वारंटाइन किया गया। जब यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह जब वहाँ पहुंची तो क्वारंटाइन के जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने बताया कि यहाँ खाना सही समय पर नहीं दिया जाता, अभी देते हैं तो खराब खाना देते हैं, नाश्ता वगैरह नहीं देते हैं ढंग का, और जिससे काफी परेशानी हो रही है ना इतनी, और आज की डेट में इतनी गर्मी है वहाँ पे कि पंखे की सुविधा नहीं है, मैं आपको बता दूँ, और इसके कारण उनको गुस्सा देखना पड़ा। जी, अब क्या हालात बने हुए और लोगों का क्या कहना है, लोगों से भी आप मिले होंगे? जी, जब इसकी जानकारी आसपास के लोगों ने, जब प्रशासन को भी इसकी जानकारी, तो उन्होंने कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर जाकर के जल्द से जल्द वहाँ जो चीज की कमी है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। जी, चलिए आप बने रहिए। विधायक हमारे साथ विनय जायसवाल जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, धन्यवाद। तस्वीरें हम देख रहे हैं कोरिया की, जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्थाएं पसरी हुई हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, ना खाने को मिल रहा है ना रहने को ढंग से मिल रहा है, आखिर ऐसी अव्यवस्थाएं क्यों हैं? देखिए, निश्चित रूप से लॉकडाउन खत्म होने के बाद और जो स्थिति पूरे प्रदेश की बनी हुई है, जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, जितने भी हमारे दिहाड़ी के लोग जो काम करने वाले हैं, जो पिछले 2 महीने से अचानक से जो लॉकडाउन कर दिया गया और उनको ये सुविधा नहीं मिली कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके, उसका बड़ा खामियाजा सब न केवल छत्तीसगढ़ को बल्कि पूरे देश के प्रदेशों को ये झेलना पड़ रहा है। और जहां तक कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ की या छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है, माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले। और मेरी जानकारी में मनेन्द्रगढ़ का ऐसा कोई भी क्वारंटाइन सेंटर नहीं है जहां 2 टाइम का नाश्ता और 2 टाइम का खाना नहीं दिया जा रहा है। कहीं जरूर ये बात हो सकती है, छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि जितने भी स्कूल हैं, जितने भी सामुदायिक भवन हैं, इनको हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर के रूप में डेवलप किया है। और पूरे जो अलग अलग महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात की बात करें या जितने भी अलग मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, आप तमाम चीजें बता रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, पर बात यह है कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि ढंग से खाना नहीं दिया जा रहा। उनका निश्चित तौर पर कहना है कि जिस समय खाना देना चाहिए वो नहीं मिलता, चाय नहीं मिलती। और हमारे साथ पार्षद भी हैं भाजपा के, सरयू यादव, वो जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्थाएं पसरी हुई हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। जी, मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में सांस्कृतिक भवन, मंगल भवन और भी अन्य जगह जहां पर क्वारंटाइन सेंटर शासन द्वारा बनाया गया है, वहां पर स्थानीय निवासी को, सिर्फ मजदूर नहीं है, स्थानीय निवासी भी वहां पर 14 दिन से है, जो शासन के नियम के अंतर्गत आया है कि 14 दिन क्वारंटाइन रखना है, उनको ना चाय की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। एक टैंकर पानी खड़ा कर दिया गया है जिसमें 12 लोग आकर के पानी भरते हैं, रेड जोन से वो आए हैं, वहां पर कोई भी स्वास्थ्य महकमा भी नहीं जा रहा है। और नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ की तो बात ही छोड़ दीजिए, नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ सिर्फ फोटो खिंचाने में व्यस्त है। मैं विधायक जी का दोष नहीं दे रहा हूँ, कलेक्टर महोदय भी जो है साफ बोल चुके हैं कि जो भी पैसा होगा
दिया जाए और मैं दूंगा, मीटिंग में बात हुआ, मगर नगर पालिका प्रशासन जिनकी जवाबदारी है और स्वास्थ्य विभाग का अमला जिनकी जवाबदारी है, उनके द्वारा यहाँ पर घोर अवहेलना की जा रही है प्रशासन की जी, और वो बेचारे परेशान है। विनय जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए निश्चित रूप से जो हमारे महेंद्रगढ़ के जो पार्षद है सरजू यादव जी बहुत सीनियर पार्षद है और जनहित के मुद्दों में हमेशा ये बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, लेकिन मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा कि अभी चिमरी की अगर मैं बात करूं तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं, इन लोगों ने यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है, लेकिन ये एक अव्यवस्था को क्रिएट किया जा रहा है। और कुछ इनके लोग हैं, अभी जो शिकायत मिली थी उसमें जांच में सही भी पाया गया था कि कुछ लोग जिनको क्वारंटाइन सेंटर से निकलना है, जिनको शासन का जो नियम है 14 दिन उनको तो वर्कर को रखना है और टेस्ट के बाद उनको छोड़ना है, घर में क्वारंटाइन करना है, लेकिन लोग अपने पैरवी का अपने पद का दुरुपयोग करके लोगों को जल्दी छोड़वाना चाहते हैं और इसलिए भी बहुत रेशन फैला रहे हैं, जो खाना दिया जा रहा है उसमें कंकर डाल दे रहे हैं और फिर व्हाट्सएप वीडियो बना के भेज रहे हैं कि इसमें कंकर डाला हुआ है, जबकि यहाँ आके देखिए जहाँ भी खाना बन रहा है, जो खाना देने का जो प्रोसेस है बड़ी साफ सफाई के साथ में, बहुत ही जो आज के कोविड के समय में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके जो भी सैनिटाइजेशन और इसका जितने भी अपने को प्रिकॉशन लेने हैं उस प्रिकॉशन को लेके सारा काम करने की सरकार कोशिश कर रही है। सरकार माननीय भूपेश बघेल की सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार पूरे देश में ऐसी पहली सरकार है जब पूरे कोविड के संकट के समय में 20,000 करोड़ के राहत की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, लेकिन उस राहत का केवल झुंझुना लोगों के कान में सुनाई दे रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने माननीय भूपेश बघेल पर विनय जी आपको ऐसा नहीं लगता कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय कि हमने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, ऐसे महामारी का दौर चल रहा है कि एक साथ मिलके मदद करने के लिए आगे आना चाहिए कि एक दूसरे की बातें बताना चाहिए? उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। देखिए हम लोग इस कोविड के संकट में कोई भी राजनीति नहीं करना चाहते। हमने आज हमारी सरकार ने जब किसानों के पास पैसा नहीं है, मजदूरों के पास पैसा नहीं है, तो मनरेगा में तमाम काम खोलने का काम हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना अपने आप में पूरे देश में एक अभिनव योजना है जिसमें सीधे किसान के पॉकेट में, किसान के जेब में पैसा डालने का काम किया है। 1500 करोड़ का जो पहला किस्त है। चलिए वो सारी बातें ठीक है, मैं मान रही हूँ, पर अभी की जो स्थिति है क्या लगता है सुधार आएगा कि नहीं आएगा? जो आरोप हमारे भाजपा के साथी क्वारंटाइन सेंटर को लेके या अव्यवस्थाओं के ऊपर, चलिए समय की कमी है विनय जी, समय की कमी है, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा। जिन अव्यवस्थाओं की बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब मात्र 100 केस पूरे देश में थे उस समय आपने पूरे लोगों को रोक दिया, मजदूरों को रोक दिया, सभी लोगों को रोक दिया, लेकिन जब 1 लाख से ऊपर की खेती कोरोना की पूरे देश में हो गई है तो आप लॉकडाउन खोल के लोगों को संक्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया है। आज केंद्र की सरकार का जो निर्णय है वो पूरा देश। चलिए विनय जी दो मिनट सरयू जी को जवाब देते थे, जवाब देने दीजिए, समय की बहुत कमी। सरयू जी पूरे देश की चिंता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र के, अपने विधानसभा क्षेत्र के, नगर पालिका क्षेत्र के जो आपके अधिकारी कर रहे हैं। लगता है लड़ाई में ही समय निकल जाएगा, आपस में आके कोई मदद के लिए शायद आगे नहीं आएगा। बहुत 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 शुक्रिया सरयू जी, आपका भी, विनय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल एक्सप्रेस स्पेशल में इतना ही, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।